उत्तरी इसराइल से लेबनान पर वैसे ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी जैसे गाजा में दागी थी, जिससे लगने लगा कि इसराइल में जंग का एक और मोर्चा खुल गया, क्योंकि इसराइल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल में एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हाहाकार मचा दी, जिसकी तस्वीरें भी इसराइल की सेना ने जारी की, जिसमें इसराइल की मिसाइलें कहर बनकर टूटती दिखी और एक के बाद एक इमारत से टकराने लगी, जिसके बाद कई धमाके हुए, धुएं का गुबार उठा और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। इसराइल की सेना ने लेबनान पर बमबारी की वजह बताई और दावा किया कि इसराइल ने वहां हिजबुल्ला के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उत्तरी इसराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, जिसका बदला इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसी बमबारी करके लिया और सुबह सुबह दक्षिणी लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया। जिस समय इसराइल ने लेबनान पर बमबारी की, न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी और इसराइल का हिजबुल्ला पर किया गया हमला न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। इसराइल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है, वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्ला के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं देना जाने दे रही। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्ला के लड़ाकों के छिपे होने का शक था, और इसीलिए इसराइल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अलमा अलशाब इलाके में गिरी, जहां इसराइल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज 18 की टीम जब लेबनान के अलमा अलशाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इसराइल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए। हिजबुल्ला के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर में मदद मिलती है, क्योंकि जंग लड़ने के इस तरीके में दुश्मन पर हमला करने के बाद हिजबुल्ला के लड़ाके छिप जाते हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों को युद्ध के इस तरीके में माहिर माना जाता है और इसीलिए दक्षिणी लेबनान का अलमा अलशाब उनका अहम ठिकाना बन गया। लेकिन इसराइल की मिसाइलों ने इस इलाके के जंगलों को बर्बाद कर दिया। वैसे इसराइल ने अपनी मिसाइलों से वहां के किसी घर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इसराइल के हमले के डर से पूरा इलाका खाली हो गया। लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला 7 अक्टूबर के बाद से उत्तरी इसराइल को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब इसराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। ऐसा लगा कि दक्षिणी लेबनान में भी भयंकर जंग छिड़ने वाली है और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो सकती है, क्योंकि एक ओर दक्षिणी लेबनान पर इसराइल मिसाइलें दाग रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल में सेना के ठिकानों को टारगेट किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में सेना के 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें उत्तरी इसराइल में सेना के बिरकत्रिशा, राम्या और अलमनारा जैसे ठिकाने शामिल हैं। इसराइल की सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के यारीन और अलमा अलशाब इलाकों से ही उस पर हमले हुए, यानी यही नहीं, उसने दावा किया कि 17 अक्टूबर को उत्तरी इसराइल में यहीं से अटैक हुआ था, जिसमें इसराइल के 3 सैनिक घायल हो गए थे, क्योंकि दक्षिणी लेबनान का यारीन गांव इसराइल से केवल 19 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हिजबुल्ला के लड़ाकों का भी यहां अच्छा खासा दबदबा है और इसीलिए इसराइल की सेना ने यारीन गांव को भी निशाना बनाया, क्योंकि एक दिन पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने इसराइल लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के ड्रोन को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई बड़े ठिकाने बर्बाद हो गए, इसराइल की सेना ने तो यही दावा किया। इसराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो वहां हमेशा जंग की स्थिति में रहता, क्योंकि वो फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश मुस्लिम देश हैं, जो यहूदी देश इसराइल के खिलाफ हैं। यही नहीं, फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास और लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला तो इसराइल पर हमले भी करते रहे। हिजबुल्ला इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो हमास का साथ भी दे रहा है और उत्तरी इसराइल में उसकी नाक में भी दम कर रहा है। यही नहीं, वो इसराइल की सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में सक्रिय है, लेकिन उसका असली दबदबा तो लेबनान में माना जाता है और यही इसराइल की परेशानी है, क्योंकि इसराइल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है, क्योंकि 1948 के बाद से इसराइल और लेबनान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें जमीन से ज्यादा समंदर पर कब्जे की लड़ाई, क्योंकि इसराइल और लेबनान भूमध्य सागर के करीब 860 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा करते हैं। इसराइल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी, ताकि हमास के खतरनाक प्लान को फेल किया जा सके, क्योंकि इसराइल की सेना ने फिर गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमले से दहला दिया। गाजा पर जमीनी हमला करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और भी बड़े हमले किए। उन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा और पानी के रास्ते से भी बमबारी की। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी की कई इमारतों को निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया। इसराइल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सुरंगों से पार पाना है जो हमास ने गाजा में बना रखी हैं। दावा किया जाता है कि उन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाकों ने इसराइल को परेशान कर रखा है, और इसीलिए इसराइल ने जमीनी हमले के बजाय गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करने का रास्ता चुना,
ताकि उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि हमास की सुरंगों की जानकारी वो पहेली बन चुकी है जिसे इसराइल और उसका सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी सुलझा नहीं पाया। हालांकि इसराइल ने कई बार गाजा पर जमीनी हमले की धमकी दी, यानी शुरुआत में इसराइल की योजना अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे गाजा के उत्तरी हिस्से में घुसने की थी। अमेरिका ने इसराइल को दी, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे बाइडेन सरकार का ही दिमाग है, और बाइडेन की सलाह पर ही बेनिमिन नेतन्याहू ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कुछ और दिनों तक इसी तरह हमला करने की राय दी, और ये सब कुछ बंधकों की हिफाजत के लिए किया गया। इसराइल को गाजा में अपने पैर पसारने का पूरा मौका भी मिल रहा है। इसराइल की सेना के मुताबिक गाजा पर छोटी छोटी स्ट्राइक करना उसके जमीनी हमले का ही हिस्सा है, यानी गाजा पर पूरी ताकत से हमला करने से पहले इसराइल की सेना वहां अपने लिए एक बेस तैयार करने में जुटी है। वो उत्तरी गाजा में एक ऐसे इलाके का चयन कर रही है जहां से वो अपने सैन्य अभियान को चला सके, और इसी के लिए इसराइल के सैनिक लगातार हमास के कई रॉकेट लॉन्चर, कमांड सेंटर और सुरंगों पर निशाना साध रहे हैं। गाजा की घेरेबंदी कर हमले की तैयारी में जुटी इसराइल की सेना को ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली। ईरान ने दो टूक कहा कि इसराइल की सेना अगर गाजा में जमीनी हमले करती है तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी, और हमास के लड़ाके गाजा में इसराइल की सेना को दफन कर देंगे। ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इसराइल का खात्मा तय है, और हमास के लड़ाके इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3,000 से ज्यादा टैंक गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इसराइल की सेना ने गाजा में अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। हमास ने आरोप लगाया कि इसराइल ने एक बार फिर गाजा में मौजूद अस्पतालों, मस्जिदों, यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाईं, जिनकी वजह से वहां भारी तबाही मच गई। गाजा के अस्पताल में हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। वहां हुए मिसाइल हमले के बाद हालात इतने बुरे हो गए कि उस अस्पताल की इमारत में धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। इसराइल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए यह दावा कर दिया कि ये सब हमास की सोची समझी साजिश है। इसराइल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगों का नेटवर्क इन्हीं अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे है, और उनमें छिपे हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसराइल के मुताबिक हमास और उससे जुड़े कई और चरमपंथी संगठनों ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों को अपने हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया। इसराइल की सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का सबूत पेश किया, और ये आरोप लगाया कि हमास ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा। मतलब उसने जमीन के ऊपर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों की इमारतें बनाई, लेकिन उनके नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। और द गार्डियन के मुताबिक इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और इसराइल को गाजा में हवाई हमले करते हुए सावधानी बरतने को कहा। इसराइल को गाजा में फूंक फूंक कर कदम रखने की नसीहत दे डाली, क्योंकि इसराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बारूद की बारिश और ज्यादा तेज कर दी। गाजा में आम लोगों की मौत इसराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऊपर से अमेरिका के लिए इसराइल के पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों को साथ रख पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाजा में आम लोगों की मौत की खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, जिसकी वजह से कई देशों में इसराइल का विरोध हो रहा है। बाइडेन इसराइल के लिए मुस्लिम देशों के साथ तालमेल बैठाने में जुटे हों, मगर गाजा में इसराइल के हमले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मुस्लिम देश तो गाजा में हुई मौतों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ गया, जबकि फिलिस्तीन भी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका को कोस रहा है। अमेरिका इसराइल को गाजा में हमले करने में नरमी बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन के समझाने के बाद भी नेतन्याहू गाजा में ऑपरेशन की जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि इसराइल गाजा में अब की बार आर पार की लड़ाई चाहता है। हमास ने उसे बीते सालों में जो जख्म दिए हैं वो उनका हिसाब सूद समेत वसूलना चाहता है। इसराइल का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि हमास ने उनके लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इसलिए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब तक इसराइल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा पर जारी हमले बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमास ने उसके लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से इसराइल की सेना का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ।
गाजा में हमले रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका ही इसराइल पर दबाव नहीं बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इसराइल को चेतावनी दे डाली, जबकि संयुक्त राष्ट्र तो इसराइल से लगातार हमले बंद करने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है, मगर इसराइल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। दुनिया के कई देश इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन इसराइल को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। रफा बॉर्डर पर इसराइल की बमबारी की वजह से गाजा में जरूरतमंदों तक मदद ही नहीं पहुंच पा रही और वहां लोगों पर भूखे मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं, जबकि इसराइल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। लेकिन अब इसराइल की बमबारी का असर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पड़ रहा। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का इस्तेमाल गाजा में मदद भेजने के लिए किया जा रहा है, वहीं इसराइल को यह डर सता रहा है कि कहीं इसके रास्ते हमास के लड़ाके बाहर से हथियार न मंगवा लें। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिनों पहले ही इसराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने ये दावा किया कि एक अनाज के बोरे में हथियार भरकर हमास के लड़ाकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 10 साल बाद हानिया को 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया। दावा है कि वो पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा, जबकि कुछ रोज पहले इसराइल की मीडिया ने यह दावा किया था कि हानिया कतर नहीं बल्कि तुर्की में छिपा और वहीं से उसने इसराइल में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी थी। और हानिया की लिखी स्क्रिप्ट पर हमास के लड़ाकों ने इसराइल के लोगों को मौत बांटी थी। उस दौरान ये खबर सामने आई थी कि हमास का मुखिया अपने परिवार के साथ कतर में, लेकिन जंग छिड़ने के करीब 15 दिन बाद इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया था कि इस्माइल हानिया तुर्की में छिपा। दावा यह भी किया गया था कि तुर्की ने हानिया को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था। इसराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। इस्माइल हानिया के अलावा इसराइल को हमास का लादेन माने जाने वाले यहिया सिनवार की भी तलाश है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है, कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इसराइल के पास मौजूद नहीं लगती। हालांकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद यहिया सिनवार की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सिनवार का एक भी सुराग इसराइल की खुफिया एजेंसियों के पास नहीं। और इसराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हानिया और सिनवार के अलावा इसराइल को हमास के 4 बड़े नेताओं की तलाश है, जिनमें पहला नाम मोहम्मद दईफ का है जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। इसराइल के मीडिया का दावा है कि दईफ की अगुवाई में ही अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर वहां शवों का ढेर लगा दिया था। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। उस रैली को कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की यूथ विंग ने आयोजित किया था, जिस पर 2019 में ही बैन लगा दिया गया था। इसी संगठन के यूथ विंग ने 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली को हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के खालिद मशाल को इसराइल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सितंबर 1997 में जॉर्डन में रह रहे खालिद मशाल को मारने के लिए इसराइल की सरकार ने उसे पहली बार मारने का आदेश दिया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट खालिद मशाल को मारने के लिए जॉर्डन में उसके ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही मशाल अपने ऑफिस से बाहर निकला, मोसाद के एजेंटों ने उसके कान में खतरनाक जहर डाल दिया था। नेतन्याहू नहीं बल्कि खुद मोसाद के अधिकारियों ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि हमास को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। इसके अलावा इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के अधिकारियों ने भी यह बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इस हमले के बाद गाजा की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसी शिनबेट की चौकसी पर सवाल उठे, यहां तक कि इन दोनों ही एजेंसियों के अधिकारियों ने हमास की प्लानिंग के बारे में खबर न होने की बात तक कबूल कर ली थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये दावा भी किया कि इसराइल की सेना ने करीब साल भर से हमास के वायरलेस रेडियो को ट्रैक करना तक बंद कर दिया था, जिसके बाद ये आरोप लगाए जाने लगे कि इसराइल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला उसकी अपनी लापरवाही की वजह से ही हुआ। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल की सेना और सुरक्षा एजेंसियां हमास से इस कदर बेफिक्र हो चुकी थीं कि उन्होंने हमास के रेडियो को ट्रैक करना ही बंद कर दिया था। ये इकलौता मोर्चा नहीं है जहां इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। इसराइल के मीडिया के मुताबिक मोसाद के अधिकारियों ने अपने
सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान पर पैनी निगाह रखने में भी लापरवाही बरती, क्योंकि मोसाद के सूत्रों के मुताबिक अगर उसके अधिकारी ईरान के हर कदम पर नजर बनाए रखते तब भी हमास का यह हमला टाला जा सकता था। मोसाद की नाक के नीचे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान इसराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग करता रहा और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। इसराइल अपने तीसरे पड़ोसी सीरिया से भी जंग लड़ने के लिए आमादा नजर आ रहा। सीरिया इसराइल का पुराना दुश्मन, इसलिए इसराइल ने पिछले हफ्ते भी सीरिया पर इतना घातक वार किया था कि सीरिया के 8 सैनिक मारे गए थे। और एक हफ्ते के अंदर इसराइल दोबारा सीरिया पर टूट पड़ा, जिसका उसने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। इसराइल के अकेले लड़ाकू विमान ने सीरिया में रॉकेट लॉन्चरों पर भर भर कर बारूद बरसाया। गोलान हाइट्स पर इसराइल की सेना तैनात है, मगर अपने इस हमले के लिए इसराइल ने सीरिया को ही कसूरवार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि शुरुआत सीरिया की तरफ से हुई, क्योंकि एक दिन पहले उसने इसराइल पर हवाई हमले किए, जिनका बदला लेने के लिए इसराइल ने सीरिया की सेना के अड्डों पर आसमान से अटैक कर दिया। सीरिया में हिजबुल्ला भी सक्रिय है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी वहां है, और सबसे बड़ी बात यह कि सीरिया में इसराइल का जानी दुश्मन ईरान खुद बैठा हुआ है। यानी इसराइल के सभी दुश्मन सीरिया में एक्टिव हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान, क्योंकि सीरिया और ईरान दोस्त, और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा, इसलिए सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। हमास के रूस पहुंचने पर इसराइल और अमेरिका भड़क गए, और इसराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास की मेजबानी करने पर जवाब मांगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूस किसी भी एक पाले का साथ नहीं दे रहा था। उसने पहले इसराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया और फिर जब इसराइल ने हमास का हुक्का पानी बंद कर दिया तो उसने इसराइल पर भी निशाना साधा। हमास की मेजबानी कर रूस ने बिना कुछ कहे इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में एंट्री ले ली और हमास का समर्थन करने के संकेत भी दे दिए, जबकि इससे पहले रूस ने इसराइल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। हालांकि पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार जंग खत्म करवाने का रास्ता निकालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इसराइल ने तो हमास के खात्मे की ठान रखी, इसी वजह से उसने दोनों बार पुतिन की पेशकश को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि हमास के अंत तक जंग जारी रहेगी। के देगिस्तान एयरपोर्ट पर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर इसराइल लिखा दिखते ही फिलिस्तीन के समर्थक उस पर टूट पड़े। जब से इसराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं तब से दुनिया में कई जगह इसराइल के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है, मगर ये पहली बार देखने को मिला जब अपना गुस्सा निकालने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सीधा यहूदियों से हिसाब बराबर करने पहुंच गई और एयरपोर्ट का गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गई। हुजूम इतना बड़ा और इतना आग बबूला था कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस उसे रोक तक नहीं पाई और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आगे बढ़ गए। रूस के देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इसराइल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इसराइल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इसराइल के बीच आग भड़का सकती है, क्योंकि इसराइल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इसराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इसराइल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। रूस के देगिस्तान एयरपोर्ट पर हुए इस बवाल ने इसराइल को रूस पर भड़कने का एक और मौका दे दिया। रूस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखकर इसराइल तमतमा गया। ये वो चिंगारी है जो रूस और इसराइल के बीच आग भड़का सकती है, क्योंकि इसराइल पिछले हफ्ते से ही रूस पर आग बबूला है। पिछले हफ्ते इसराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान रूस गए थे, जहां वो वहां के उप विदेश मंत्री से मिले थे। रूस की हमास के नेताओं से मुलाकात को इसराइल ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के खिलाफ बड़ा बयान देकर दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है जिसने नेटो के दूसरे सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। भले ही अमेरिका नेटो में खुद को ताकतवर देश मानता हो, लेकिन इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में तुर्की अपनी चाल बदलकर अमेरिका को टक्कर देने में जुट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की रूस का मददगार बन गया था, जबकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसराइल के खिलाफ जंग में भी तुर्की हमास का समर्थन कर दुनिया के सामने अपनी साख और मजबूत करना चाहता है। तुर्की दुनिया के कई मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करने में जुट गया और उन देशों से गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने की अपील की, जिसके बाद जॉर्डन, मिस्र और सीरिया जैसे देशों ने इसराइल को खुली चुनौती दे दी और साफ संदेश दे दिया कि गाजा पर इसराइल की ताबड़तोड़ बमबारी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि ईरान तो पहले से ही जंग में इसराइल का खुलकर विरोध कर रहा है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने गाजा पर हमलों के खिलाफ इसराइल को इसका खमियाजा भुगतने की धमकी दी।
ऐसे में अब इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर है। और यही वजह रही कि इसराइल के खिलाफ जंग में कई मुस्लिम देशों ने उसका समर्थन कर दिया। मुस्लिम देशों ने इसराइल के साथ अमेरिका के विरोध में भी मोर्चा खोल दिया। आतंकी संगठन ISIS ने अपनी पत्रिका के जरिए चरमपंथी संगठन हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अपनी पत्रिका में ISIS ने अपने आतंकियों से दुनिया भर में यहूदी नागरिकों पर हमले करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इसराइल और उसके सहयोगी देशों में इसराइल के दूतावासों पर हमले करने के भी निर्देश दिए। और आतंकी संगठन ISIS ने हमले का ये निर्देश अपनी साप्ताहिक पत्रिका के जरिए दिया। उस पत्रिका में ISIS ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों को निशाना बनाया जाए। इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका का नया दुश्मन आतंकी संगठन ISIS सामने आ गया। इससे पहले जंग में हमास के साथ हिजबुल्ला और हूथी विद्रोही अमेरिका के खिलाफ पहले से ही खड़े हैं, लेकिन अब आतंकी संगठन ISIS हमास का सीधा समर्थन कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपनी साप्ताहिक पत्रिका में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके बयानों के बाद गाजा में इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले तेज किए गए। ISIS के मुताबिक इसीलिए वो जंग के इस मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। सीरिया और इराक में आतंकी संगठन ISIS से अमेरिका कई साल से जंग लड़ रहा है। इन दोनों देशों में अमेरिकी सेना के सैकड़ों सैनिक ISIS के आतंकियों के खात्मे में कई साल से जुटे हैं। और यही नहीं, ISIS के सफाए के लिए अमेरिका ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसमें करीब 86 देश शामिल थे। सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ अमेरिका के संगठन का हिस्सा नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं। और जब से ये संगठन बना तब से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेजी से लड़ी जा रही है। अमेरिका जिस आतंकी संगठन ISIS के खात्मे की जंग लड़ रहा है वो बहुत ही खूंखार है। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में ISIS की क्रूरता और बेरहमी की खबरें सुर्खियां बनती थी, और इसलिए आतंकी संगठन ISIS को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका ने जोर लगा दिया। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। अप्रैल 2013 में इसे बनाया गया था जिसने दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। आतंकी संगठन ISIS में बाद में बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो गए। इसराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में भी हालात बिगड़ने लगे। इसराइल की सेना ने वहां रात भर छापेमारी की, जिसके बाद वहां इसराइल की सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इसराइल की सेना के टैंक और बुलडोजर सड़कों पर नजर आए। इसराइल की सेना उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट है। वो हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्ला के लड़ाकों का कोई वार खाली नहीं देना जाने दे रही। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हर उस इलाके को टारगेट किया जहां उसे हिजबुल्ला के लड़ाकों के छिपे होने का शक था। और इसीलिए इसराइल की मिसाइलें दक्षिणी लेबनान के अल्मा अलशाब इलाके में गिरी, जहां इसराइल की मिसाइलों ने कई किलोमीटर में फैले जंगलों को काली राख में बदल दिया। न्यूज 18 की टीम जब लेबनान के अल्मा अलशाब इलाके में पहुंची तो दूर दूर तक जले हुए जंगल और इसराइल की मिसाइलों के टुकड़े नजर आए, ताकि वो इसराइल के खिलाफ जारी जंग में रूस का समर्थन मांग सके। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे थे। ईरान जंग की शुरुआत से ही हमास का खुलकर समर्थन करता आया है, और हमास ईरान के साथ मिलकर रूस को भी अपने पाले में लाना चाहता है ताकि वो इसराइल पर बातचीत के लिए दबाव डाल सके। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक होने का दावा है, और हमास ने उन्हीं बंधकों के बदले इसराइल की जेल में बंद 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की थी। लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इसराइल के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और वो बिना शर्त अपने नागरिकों की रिहाई चाहते हैं।